हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुचिता। आपका एक और बार स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ फार्मेसी। और आज हम एक नए सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स का टॉपिक आज का जो मैंने आप लोगों के लिए चूज किया है डिस्कस करने के लिए वो है इफरवेसेंट टैबलेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, कभी कभार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है, तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज है उसका पार्ट वन, तो आइए बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं। बट उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको एक वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज प्रेस लाइक बटन एज वेल एज सब्सक्राइब माय चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड विद इफरवेसेंट टैबलेट्स। इंट्रोडक्शन। ओरल ड्रग डिलीवरी हैज बीन नोन फॉर डिकेड्स एज मोस्टली वाइडली यूटिलाइज्ड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अमंग ऑल द रूट्स दैट हैव बीन एम्प्लॉयड फॉर सिस्टमैटिक डिलीवरी ऑफ ड्रग वाया वेरियस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स ऑफ डिफरेंट डोजेस फॉर्म। ओरल ड्रग डिलीवरी सिस्टम हमें डेकेड्स से पता है, डेकेड्स मतलब बहुत पुराना है, दवाई जो है मुंह से खाना, दैट इज ओरल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। और दूसरी बात, ये बहुत अच्छा ड्रग डिलीवरी सिस्टम है और ईज इसलिए है और पॉपुलर इसलिए है क्योंकि ये बहुत ईजिली अपन जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे डोसेस फॉर्म है, जैसे टॉपिकल भी है, जैसे पेरेंट्रल भी है, बट इसमें क्या है, लगाने में या इंजेक्शन लेने में हमें थोड़ा दर्द होता है, इसलिए सबसे ईजी है हमारा ओरल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। मुंह से गोली खाई और दर्द खत्म हो गया। द रीजन दैट द ओरल रूट अचीव सच पॉपुलरिटी मे बी सब पार्ट टू एट्रीब्यूट टू इट्स ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि मैंने अभी आपको बताया, लेना मतलब अपने आप को एडमिनिस्टर करना बहुत आसान है। ओरल सस्टेन ड्रग डिलीवरी सिस्टम इज कॉम्प्लिकेटेड बाय लिमिटेड गैस्ट्रिक रेसिडेंट टाइम। और ओरल सस्टेन रिलीज जो है वो सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्यों, इसमें चूँकि गैस्ट्रिक रेसिडेंट टाइम है वो अपन बढ़ा देते हैं, क्योंकि जैसे अपन ने गोली खाई, गई, बची, निकल गई और कोई भी असर नहीं दिखा पाई। अब सस्टेन रिलीज में क्या होता है, गोली गई पेट में है, धीरे 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 करके उसकी जो दवाई है या ड्रग है वो रिलीज हो रही है बॉडी में, तो हमें ज़्यादा समय तक क्या कर सकती है, वो आराम पहुँचा सकती है। तो इससे क्या हुआ, जो ओरल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का कार्य करने का तरीका था, काम करने का तरीका था, वो और भी बेटर हो गया। अब इफरवेसेंट टैबलेट्स क्यों इंक्रीज पॉपुलैरिटी हो रही है, क्योंकि ये नॉट ओनली सप्लीमेंट और फार्मास्यूटिकल यूज में बहुत इजी है, बट इसका कंजम्पशन भी, मतलब अपने आप को एडमिनिस्ट्रेशन करना भी बहुत इजी है। ये लिखा हुआ है, इफरवेशन टैबलेट्स आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली प्रॉपर इन वैरायटी ऑफ सेक्टर्स इंक्लूडिंग सप्लीमेंट्स एंड फार्मास्यूटिकल यूज ड्यू टू ईज इन विच दे कैन बी कंज्यूम्ड। ओके, इफरवेशन टैबलेट्स आर डिजाइन टू ब्रेक इन कॉन्टेक्ट विद लिक्विड सच एज वाटर और जूस, ऑफन कॉजिंग द टैबलेट टू डिजॉल्व इन टू अ सोल्यूशन। और इफरवेशन टैबलेट्स को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि जैसे ही वो किसी पानी के, जूस के या किसी भी लिक्विड आइटम के जो है उसमें क्या कहना चाहिए, उसके संपर्क में आती है या उसमें डाली जाती है, तो वो जो है टैबलेट डिसॉल्व होके सॉल्यूशन बना लेती है। आगे चलते हैं, इफरवेसेंट टैबलेट या फिर अपन कह सकते हैं कार्बन टैबलेट्स आर द टैबलेट्स विच आर डिजाइन टू डिसॉल्व इन वाटर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ही ये लिक्विड वाटर के संपर्क में आती है, कॉन्टैक्ट में आती है, ये अपना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देती है। दे आर द प्रोडक्ट्स ऑफ कंप्रेशन ऑफ कॉम्पोनेंट इन्ग्रीडियंट्स इन विच इन द फॉर्म ऑफ पाउडर इन टू अ डेंस मास विच इज पैक्ड इन अ ब्लिस्टर पैकेज। ये पाउडर होते हैं जिनका डेंस मास होता है और उन्हें ब्लिस्टर पैकेजिंग में या फिर सील्ड पैकेजिंग में कैप के साथ जो है मिलती हैं ये, और to use them they are dropped into the water to make a solution। और उन्हें use करने के लिए हमें water में इन्हें drop करना पड़ता है ताकि वो अपना solution बना लें। ये देखिए, tablet को drop किया और solution बन गया, tablet ने carbon dioxide release की। अब ये जो है not only tablet but it's also जो है इंग्रेडिएंट्स जो है कैसे सोल्ड होते हैं, इफरवेसेंट पाउडर के रूप में भी सोल्ड होते हैं और साथ ही साथ इफरवेसेंट ग्रेन्यूल के रूप में भी जो है ये खरीदे और बेचे जाते हैं। एंड जनरली पाउडर इंग्रेडिएंट्स आर फर्स्ट ग्रेनुलाइज बिफोर बीइंग मेड इनटू द टैबलेट्स। और ये हम सबको पता है कि पहले पाउडर बनेगा और पाउडर को कंप्रेस करके ही इफरवेसेंट टैबलेट्स बनेंगी। तो अपन इसको पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं, अपन इसको इसके ग्रेन्यूल फॉर्म्स में भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं।
Even recent tablets are becoming increasingly popular in a variety of sectors, including supplements and pharmaceuticals, use due to ease in which they can be consumed. और वो इसलिए इतना पॉपुलर हो रही है एफर्वेसेंट टैबलेट, क्योंकि उनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा ईजी है ना, तो हमें गोली जो है मुँह में डालनी है ना, उसके बाद पानी पीना है, गले में अटकने का भी कोई झंझट नहीं है, वो तो पानी में घुल जाती है, पानी सादा सादा उठा के पी लेना है. इफर्वेसेंट टैबलेट्स आर डिजाइन टू ब्रेक इन कॉन्टेक्ट विद द लिक्विड, पहले बता चुके हैं आपको, और बहुत ज़्यादा जो है प्रेफर्ड चॉइस है किन की, जो कि नॉट ओनली मेडिकली ठीक होने के लिए दवाई खा रहे हैं, बट डाइट्री सप्लीमेंट्स भी जो है वो आजकल इफर्वेसेंट टैबलेट में आने लगे हैं. क्यों आने लगे हैं उसका रीज़न मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि इसका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा ईजी है, बस घोलो और पी लो. आपको इफर्वेसेंट टैबलेट अभी तक मैंने जितना भी डिस्कस किया समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया है तो प्लीज ड्रॉप कमेंट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन क्लियर योर डाउट्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग.